अधिकार के आधार से आश्रम तत्व संबंधी भूल जैन मिथ्या दृष्टि के किस प्रकार रहती है उसकी चर्चा चल रही है। अंतिम पैराग्राफ है जिस पर अपने को विचार करना है। यहां टोडरमल जी साहब ने कहा, राग द्वेष और मोह जो आश्रम भाव है उसको यह नाश करने की चिंता नहीं करता। कौन जीव? हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव। कौन मिथ्या दृष्टि? जैन मिथ्या दृष्टि। तो फिर क्या नाश करने का उद्यम करता है, क्या करता है? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं यह बाह्य क्रिया में उलझा हुआ है या निमित्तों को जोड़ने और हटाने में लगा हुआ है। क्या? आश्रव को रोकने के लिए क्या कर रहा है? बाह्य क्रिया कर रहा है। बाह्य क्रिया मतलब शरीर की क्रिया, तो शरीर की स्वतंत्र शरीर के जो परमाणु उनकी होती है, और यह उस रूप भाव करता है कि मैं ऐसा करूं ऐसा करूं, आश्रव को रोकने के लिए है ना, उस देह की क्रिया रूप भाव करता है और संतुष्ट हो गया। क्या संतुष्ट हो गया? कि आश्रव रुक गया है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? कि आश्रव का रुकना असल में राग द्वेष और मोह जब तक ये समाप्त नहीं होंगे, इनका नाश करने का उद्यम नहीं करेगा, तब तक आश्रव नहीं रुकेगा। इतनी सी बात है, कितनी सरल बात है। देह की क्रिया से आश्रम नहीं रुकेगा और निमित्तों को जोड़ने और हटाने से आश्रम नहीं रुकेगा। तो आश्रम किससे रुकेगा? कि आश्रम राग द्वेष और मोह उसको मिटाने से रुकेगा। ऐसा वह जैन मिथ्या दृष्टि नहीं जानता, और नहीं जानकर क्या करता है? उसका उद्यम शरीर की क्रिया और निमित्तों को जोड़ने में ही लगता है। आश्रव को रोकने के लिए क्या करता है? वह शरीर की क्रिया और निमित्तों को जोड़ने में ही लगता है। उससे आश्रव कितना परसेंट रुकेगा? नहीं रुकेगा। अब इस बात को समझाने के लिए टोडरमल जी साहब ने द्रव्यलिंगी मुनिराज का यहां उदाहरण आगम के आधार से प्रस्तुत किया है। आगम में आचार्य भगवंतों ने इस बात को समझाया है उदाहरण देके कि द्रव्यलिंगी मुनिराज के आश्रव के जो आपने पांच भेद अपन ने पढ़े ना, यहाँ तो चार कहे, अपन ने पांच का बंटवारा किया था। चार समझो, पांच कहो। एक तो मिथ्यात्म अविरति प्रमाद और कसाय को मिलाकर एक कहा, कसाय और योग, ठीक है। तो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है
उनके बाहर में वह सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्यत्र किसी देव को नहीं पूजते नहीं भजते, है ना, उनका त्याग है। पहली बात तो समझ में आ गई, ये मिथ्यात्व के संबंधी हो गई बात। दूसरे नंबर में अविरति वह छह काय के जीवों की रक्षा का उनके निरंतर भाव है ना, मुनि दशा है ना उनके, तो छह काय के जीवों की रक्षा का अंदर में परिणाम भी है और बाहर में उस जाति की क्रिया भी है। आई बात समझ में आया आपको, किनके है, द्रविलिंगी मुनिराज के अंदर में छह काय के जीवों के रक्षा का परिणाम भी है और बाहर में उस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति क्रिया भी है। दो बातें हो गई। तीसरा, उन्होंने पांच इंद्री और मन के विषयों से दूरी बना रखी है, ठीक है, और उस जाति के उनको अंदर से भाव भी नहीं है। तीन बातें हो गई। चौथी बात कि वह मन वचन काय की चेष्टा, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकते भी है, ठीक है। अब देखो क्या है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं जाते, छह काय के जीवों की रक्षा भी करते हैं, ठीक है, पांच इंद्रिय और मन के विषयों से उन्होंने दूरी भी बनाई है। चौथा कि मन वचन काय की चेष्टा और प्रवृत्ति उसको भी उन्होंने रोका है। अब यहाँ टोटल मल्ली साहब पूछ रहे हैं कि उनके आश्रम रुका के नहीं रुका, उनके कर्म का आना रुका के नहीं रुका। अगर मान लो नहीं रुका तो इसका मतलब है कि जिन बाह्य कारणों को तू आश्रव का कारण गिनकर उन्हीं पर केंद्रित था, टोटल मिले साहब कह रहे हैं कि अंतरंग बात उस पर भी तेरे को विचार करनी चाहिए। बात समझ में आ गई आपको, किसी की निंदा नहीं हो रही है यहाँ पर, है ना, आपको वस्तु का स्वरूप बताया जा रहा है ना, क्या बात पकड़ में आई आपको, किसी की निंदा नहीं हो रही। निकालिए पेज नंबर 239। तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव है उनका तो नाश करने की चिंता नहीं, ठीक है। टेक्चर जी, बाबू जी, कनक भैया, अपन को राग द्वेष और मोह को नाश करने की चिंता है कि निमित्तों को जोड़ने हटाने की और बाहर की क्रिया में अपन केंद्रित है। बोलो भाई, आश्रम को रोकने के लिए अपन कहाँ अटके हुए हैं, कहाँ अटके हुए हैं, अपन बाहर की क्रिया में अटके हुए हैं, हैं, और निमित्तों को हटाने और जोड़ने में लगे हुए हैं ना आश्रम को रोकने के लिए। और टोडर मल्ली साहब यहाँ कह रहे हैं कि यह निरंतर उन्हीं का उपाय रखता है, परंतु देखो क्या कह रहे हैं, उनका तो नाश करने की चिंता नहीं और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है, सो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। किनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता, बाहरी क्रिया और निमित्तों को जोड़ने और हटाने से आश्रव नहीं मिटता। गजब की बात है। और इस बात को समझाने के लिए टोटल मुनि साहब ने जो आश्रव के भेद हैं और उनको बाह्य रूप से जो जीव उत्कृष्टता से उनसे दूरी बनाकर रखता है, ऐसे जीव का यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया है। किसका, द्रविलिंगी मुनिराज का। द्रविलिंगी मुनिराज कौन से गुणस्थान वाले मुनिराज की बात कर रहे हैं, अपन यहाँ पहले गुणस्थान वाले द्रविलिंगी मुनिराज की बात कर रहे हैं ना। कल मैंने आपको बताया था द्रविलिंग और भावलिंग तीन चौकड़ी कसाय का अभाव है वो भावलिंग, और अगर जिनके तीन चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं है फिर भले दो का हो एक का हो या नहीं हो सब किसमें आएंगे, द्रविलिंग। लेकिन यहाँ जिन मुनिराज की चर्चा है द्रविलिंग की वो कौन से हैं, पहले गुणस्थान वाले द्रविलिंग मुनिराज जिनका बाहर में 28 मूल गुण का निरतिचार पालन है, 22 प्रकार के परिसर को सहते हैं, 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव है, 5 इंद्रियों और मन से के विषयों से जिन्होंने दूरी बना रखी है और ये सब कपट पूर्वक नहीं करते, ऐसा ही उनका परिणाम है। ऐसे द्रविलिंगी मुनिराज के भी अंदर में क्या है, अंतरंग परिणामों की जो जाति उसको नहीं पहचानते तो उनके आश्रव चालू है, ये कहना है यहाँ, इतनी बात है, ठीक है। किसी की निंदा नहीं हो रही है, वस्तु का स्वरूप समझा रहे हैं आप, ठीक है।
देखो द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता। मिल गई पंक्ति कनक भैया, माता जी मिली। कौन अन्य देवादिक? मतलब सच्चे देव के अलावा अन्य कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र का सेवन नहीं करता। कौन? द्रव्यलिंगी मुनि। और जैन मिथ्या दृष्टि क्या मानता है कि यदि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को भजूंगा तो मेरे क्या है, मिथ्यात्व नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो बहिरंग मिथ्यात्व तो बाह्य कारणों को ही ना, उसने ग्रहित मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व माना है, अग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व नहीं माना। ठीक उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मुनिराज वो क्या करते हैं, बाहर में सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही भजते हैं, पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर, हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तते, है ना। छह काय के जीवों की रक्षा का भाव है उनके, और पांच इंद्री और मन के विषयों से उन्होंने दूरी कर रखी है। ठीक है, दो बातें हो गई, ये अविरति हो गई, है ना। पहला पार्ट मिथ्यात्व का हो गया, दूसरा पार्ट अविरति हो गई। अब तीसरी बात, क्रोधाधिक नहीं करते, ये कसाई की तरफ से बात लिखी है, क्रोधाधिक नहीं करते। ऐसा शास्त्रों में उदाहरण आता है कि उनके शरीर में चीरे लगाकर यदि नमक भी भरते हैं तो आंख का कोई भी कोना लाल नहीं होता, क्रोध भी नहीं करते हैं और उस जाति के इनके भाव भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि क्रोध करेंगे तो कसाय है, और हम तो कसाय को मिटाना चाहते हैं तो वो क्रोध भी नहीं करते। तीसरे नंबर की बात, क्या क्या होगी चर्चा? सुबह सुबह नींद निकाल, क्या क्या होगी चर्चा? पहले तो होगी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व में ग्रहित मिथ्यात्व से उन्होंने दूरी बना रखी है, लेकिन अग्रहित को नहीं जानते। ठीक है, बाहर में क्या कर रहा है, अविरति छह काय के जीवों की रक्षा का भाव है, पांच इंद्रियों और मन के विषयों से दूरी बनाई है, लेकिन अंदर में प्रमाद और अभिलाषा को नहीं जानते। कसाय कसाय नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, बाहर की कैसी भी परिस्थिति हो जाए लेकिन अंदर में राग द्वेष मिटाना या राग द्वेष को मिटाना है, इस प्रकार का उनका चिंतन नहीं चलता। ठीक है, मन वचन काय को रोकते हैं। फिर योग के संबंध में आ गई बात, क्या मन वचन काय की चेष्टा को रोकते हैं। ठीक है, कौन करे भैया? द्रव्यलिंगी मुनिराज। अब जब ये आश्रम के जितने भी भेद कहे और उनके बाह्य रूप उनके पाया जाता है, उसके बावजूद भी तथापि उनके मिथ्यात्वादी चारों आश्रम पाए जाते हैं। गजब की बात, कोई भी कर्म की बंध की विच्छुप्ति नहीं हुई है, इसलिए मैंने यहां लिखा ना, यहां लिखा ना चारों आश्रम पाए जाते हैं मिथ्यात्वादी, इसलिए मैंने जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है ना उनको पहले गुणस्थान वाला यहां पर आपको कहा है। आई बात समझ? क्योंकि मिथ्यात्व का आश्रम है, इसका मतलब है पहला गुणस्थान है। आई बात पकड़ में आपको ऋतु भाभी जी? ठीक है, छठवें गुणस्थान वाला तो वो कहा मिथ्या, तीन जोड़ी कैसा है कहा मेरे बाबू जी, वो तो सच्चा भाव नहीं है उनके, भले हो अप्रमद दशा, लेकिन छठवा गुणस्थान में तो तीन चौकड़ी कसाई के अभाव वाला ही है ना, करना छठवा। हाँ हाँ, उससे क्या हो गया तो है, है? वो प्रमाद हो लेकिन मिथ्यात्व और अविरति तो नहीं है। देखो बात पकड़ में आ रही है आपको, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? ठीक है, अभी यहां क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व बोले तो बाहर में सच्चे देव शास्त्र गुरु को पूछते हैं, अविरति और कसाय अविरति और पांच इंद्र के विषयों से दूर रखते हैं, कसाय क्रोधाधिक नहीं करते हैं, मन वचन काय की चेष्टा को रोकते हैं, ऐसा होने पर भी उनके आश्रम चालू हैं। अब मेरा प्रश्न है क्यों, मुद्दा क्यों? तो इससे पहले टोडरमल्ली साहब ने जब आश्रम संबंधी भूल बताई तब टोडरमल्ली साहब ने कहा था कि अंदर परिणामों की जाति नहीं पहचानता और बाह्य कारणों को ही मानता है। क्या मानता है जैन साहब? बाह्य कारणों को ही मानता है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, अभी आपको अभी समझ में नहीं आई। जितनी भी दृढ़ता से व्रतों का पालन होता है, क्या जैन साहब है ना, व्रतों को पालन होता है, जीवों की रक्षा का भाव आता है जो दृढ़ता से करते हैं, वो क्या मानते हैं? उन परिणामों के कारण ही अपना आश्रम रुक जाएगा।
लेकिन आश्रय रुकता कैसे है? मिथ्यात्व जाएगा तो मिथ्यात्व वाला आश्रय रुकेगा, अविरति जाएगी तो अविरति वाला आश्रय रुकेगा, प्रमाद कसाय जाएगा तो प्रमाद और कसाय वाला आश्रय रुकेगा, और योग जाएगा तो योग वाला आश्रय, है ना? कैसे पहचान करेंगे बोले तो अपन देखो, अपन इसमें क्या है, बाहर से आप पहचान तो कर नहीं पाओगे, लेकिन उनके वचन अगर अभी वो बोले और उसमें सम्यक का स्वरूप आया कि नहीं आया, अगर आपको पता चल जाएगा कि सही है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये है, लेकिन बाहर से तो वो भी 28 मुर्गों का इंतजार पालन कर रहे, और यदि कुछ नहीं बोले और आप नहीं पकड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो अंतरंग की बात है, है? वो समीपता करेंगे पता चलेगा तो पता चले, नहीं तो नहीं चले, पर अपने को पकड़ में नहीं आएंगे ना, ये अपनी बात चल रही है। अगर वो वचन में उनके हैं तो आप पता चल जाएगा कि वस्तु स्वरूप के अनुरूप उनके कथन है कि नहीं। सही भी कर सकते हैं तो भी अब आपको कैसे पता चलेगा, अगर निरूपण अगर सम्यक का सही कर रहे हैं आदम के आधार से, कह भी रहे हैं और अंदर में आत्मा अनुभूति नहीं है, अपना दृढ़ स्वभाव पर दृष्टि नहीं है, तो भले ही उनका पहला गुणस्थान है, अब आपको 28 मूल गुण भी बिल्कुल सही लग रहे हैं और सम्यक का निरूपण भी सही हो रहा है, तो अब आपके पास क्या चाह रहा है? फिर आप भले उनको पूजो तो पूजो, कोई दिक्कत थोड़ी है क्या उसमें? अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सही है गलत? अब उनके अगर मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व का बंद चालू है, नहीं पूरा उनका तो बिल्कुल मैच होता है 28 मूलगुण का बिल्कुल, जिनके मूलगुण ही आपको बाहर से खंडित दिखते हैं वो तो बिल्कुल आपको स्पष्ट है, लेकिन जहाँ बिल्कुल आपका मैच होता है आलम के अनुसार मूलगुण है और उनके वचन भी ग्रंथ के सम्यक का स्वरूप भी वो बिल्कुल ग्रंथ के आधार से यथावत बताते हैं, उसके आधार से भी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर यदि आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन हुआ है तो ठीक है, मिथ्या तो चला गया। आई बात समझ में? इसलिए तो आचार्य देव ने कहा कि बाहर से आपने अगर चेक कर लिया और आप खोज कर रहे हो, फिर भी आप अपनी बुद्धि से जितना आपने खोज करा उसमें आपने सही पाया, तो आप बिल्कुल उनको नमस्कार करो, क्या दिक्कत है भाई? आपके पास क्या चाह रहा है? लेकिन आप अपनी बुद्धि से बाहर भी चेक नहीं करो और बाहर में गड़बड़ी दिखने के बाद आप इग्नोर करो, ये आपकी कमी है। आई बात समझ में क्या? हाँ, क्योंकि वो तो उनके जादू सिर चढ़ के बोलता है, 28 गुलगुण का निरतिचार पालन दो ही जीव कर सकता है, एक तो द्रविलिंगी मुनिराज हो या एक भावलिंगी मुनिराज हो। आई बात समझ में? क्यों द्रविलिंगी क्यों कर रहा है? कि उनकी उनने ये सब मान रखा है कि 28 मूलगुण को पालना ही धर्म है, और भावलिंगी मुनिराज के स्वरूप की स्थिरता में सहज पलते हैं, दोनों परिस्थिति में ही 28 मूलगुण का पालन होता है। आई बात समझ में? अब दोनों बराबर पालन हो रहा है तो आपको पकड़ना है, तो फिर कभी उनके वचन हो उससे आपको आगम के अनुसार सम्यक के संबंध में तो आपको बात पकड़ में आ जाए, और यदि जरूरी थोड़ी कि मुनिराज आपको हर बार उपदेश दे, नॉट नेसेसरी, क्योंकि वो तो अतिथि है, वो उपदेश देना कहीं टाइम अलॉट करके जाना ऐसा तो उनका होता नहीं है, है ना? कोई इनका ऐसा क्रम नहीं है। देखो अभी वो बताया था ना क्या पंचकल्याण में, जिन साहब आप तो सुन के आए कि भाई छोटे गांव में कितने दिन ठहरते हैं, मध्यम गांव में कितने दिन ठहरते हैं, और बड़ा जो शहर रहता है ना 3-5-7 क्या दिन है, 3-5-7 दिन है ना, उससे ज्यादा वहां नहीं रहते। क्यों नहीं रहते मुनिराज? मतलब चातुर्मास को छोड़ के, हो चातुर्मास की बात हो अभी आप, है ना, है ना? क्यों? क्योंकि श्रावकों का संघ काजल की कोठरी है ना, क्या फिर क्या रिलेशन बन जाएंगे, है ना, रिलेशन बन जाएंगे, बातचीत हो जाएगी राग में। तो आचार्य देव ने स्ट्रिक्टली कहा है कि छोटा यदि गांव हो तो वहां आप 3 दिन ठहरे और फिर वहां से विहार कर दें, थोड़ा मध्यम गांव हो वहां 5 दिन तक, और उससे बड़ा हो तो 7 दिन तक, ठीक है? और
ऐसा उदाहरण भी दिया था दादा ने, लोक में भी पुलिस वाले के जो रहते हैं ना, उनके ट्रांसफर क्यों तेजी से होते हैं, क्यों, कारण क्या है कि वो जहाँ रहेंगे तो स्थानीय लोगों से रिलेशन बन जाएंगे और फिर जो चाहिए, तो ठीक उसी प्रकार वो बिहार की प्रक्रिया है। अब बिहार में ऐसा भी है क्या कि अब 3 दिन में बिहार करना है, उन्होंने कहीं तीर्थ यात्रा जाने का उन्होंने अंदर में विकल्प है कि उधर जाए, और रास्ते में मान लो बाढ़ आ गई क्या है, तो भी वो बिहार तो करते हैं, दूसरी दिशा में चले जाते हैं, रुकते नहीं है वहां। आई बात समझ क्या, जैसे आप रुकते नहीं है, 3 दिन से ज्यादा ठहरते नहीं है छोटे गांव में, कब चातुर्मास को छोड़। अब तो ऐसी बहुत सारी बाहर की प्रक्रिया है, जब भी चलेंगे तो 4 हाथ भू जमीन को देखकर चलेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं 4 हाथ बिना देखे चल रहे हैं और चल रहे हैं बातचीत करते हुए चल रहे हैं, तो समझ लेना कि भाई मूल गुण खंडित है, वो आपको पकड़ में आ जाएगा। अब साधारण गृहस्थ है ना, गुरुदेव श्री भी बातचीत करते हुए कभी नहीं चलते थे जैसा, ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। देखो मैंने साक्षी तो उनको देखा नहीं है, लेकिन जो उनके साथ रहे हैं जिन्होंने देखा है और उन्होंने अपने बात बताई है, तो कह कि जैसे आप अगर वो आपको कुछ कहना है चलते हुए तो पहले रुक जाएंगे, कदम रोक लेंगे और फिर मुंह से बोलेंगे, लेकिन बोलते हुए नहीं चलते। तो वो ऐसा सहज प्रवृत्ति होती है, माँ वो घास पे और पत्ती पे तो पाँव रखने का तो सवाल ही नहीं होता, वो तो एक अनादर थिंग है, लेकिन यो अगर फर्श पे भी चल रहे हैं तो बोलते हुए नहीं चले। इरिया समिति पूर्व में तो वो तो मुनिराज के तो उत्कृष्ट 6 गाय के जीवों की रक्षा का भाव रहता है। लेकिन जो यहाँ प्रश्न था बहन का कि द्रव्यलिंग और भावलिंग का बाहर से कैसे पहचान करें, तो ये बाहर से तो बंटवारा भी नहीं है, बंटवारा भी तो अंदर से है, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव वो भावलिंग है। अब 3 चौकड़ी कसाय का अभाव वो आपको कैसे पकड़ में आएगा, अब बाहर की क्रिया तो मिल मैच हो जाएगी, लेकिन अंदर की कसाय मिट्टी के नहीं मिट्टी वो कैसे पता चलेगा है? अब कोई वाणी में ऐसा स्वरूप अगर विपरीत कथन आता है तो आप मोटा पकड़ लो कि भाई ऐसा है, और कभी स्वरूप भी सही आए आगे आएगा, वो कहेंगे कि उनके वचन को सुनकर कोई जीव को सम्यक दर्शन भी हो जाए। सम्यक दर्शन का स्वरूप भी यथा बिल्कुल जैसा ग्रंथ में वैसा प्रतिपादित कर देते हैं, लेकिन अंदर में राग द्वेष से भिन्न, पाप पुण्य के भाव से भिन्न, अपना जो गैर भगवान है उसकी दृष्टि नहीं करते हैं, उसको ऊर्ध नहीं करते हैं, इसलिए उनके सम्यक दर्शन नहीं है। ये है बात। अभी यहां इतनी बात कही द्रव्यलिंग के संबंध में टोटरमल जी साहब ने, तब जीव की एक बात आई, प्रश्न खड़ा हुआ कि मायाचारी से करते होंगे, क्या करते हैं मायाचारी, किसको कहना कि अंदर में तो कुछ भाव चल रहे हैं परिणाम और बाहर में कुछ चल रहे हैं, वो मायाचारी। मायाचारी का शब्द तो समझ में आ गया आपको है, जैसे आपको कहीं जाना है मान लो जैसा, और बहुत अर्जेंट और आपकी इच्छा भी कहीं जाना है, अचानक में आपके आ गए, तो अंदर में तो आपको ये भाव चल रहा है कि यार पंडित साहब अभी कहाँ आ गए, मेरे को अर्जेंट जाना है, और आप क्या बोलोगे, आओ 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 बैठो बैठो, अरे कहीं नहीं है, तो ये क्या हो गया, द्वेत हो गया, द्वेत हो गया ना, अंदर की धारा अलग चल रही है और बाहर आपका वचन का बोलना आपका अलग चल रहा है, ठीक है। लेकिन द्रव्यलिंग मुनिराज का इस प्रकार का कपट भी नहीं होता, उनके अंदर में 6 गाय के जीवों के बचाने के भाव बिल्कुल हैं, और ऐसा ही उनका बाहर का जीवन है, 5 इंद्रिय के विषय और मन से उन्होंने दूरी बनाई है, और अंदर के उसी जाति के उनके भाव है, सच्चे देवसान गुरु के प्रति भक्ति का भाव है, और अन्य देव कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र को नहीं सेवते हैं, ऐसा उनका अंदर भी ऐसा है और बाहर भी ऐसा है, ये टोटल मल्ली साहब कह रहे हैं, मायाचारी नहीं कर रहे हैं वो, उसके बावजूद भी उनके आश्रय चालू है, क्यों चालू है कि मिथ्यात्म मिटा नहीं, अविरति मिटी नहीं, कसाय मिटी नहीं, कसाई भी बाहर से कैसी लगती है जैसा होंगे कि आप शरीर के छिन्न भिन्न कर दो और उसमें नमक भी डाल दो और उनको गुस्सा नहीं आए, तो आप उनको क्या मानोगे, गजब की समता भाव है। और टोटल मल्ली साहब कह रहे हैं कि अंदर राग द्वेष मिटा नहीं है, उन्हें भी कसा है, ऐसा है।
अब ये बात आपके गले उतरना, ये आपको थोड़ा सा अंतरंग में इस अपेक्षा को समझना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, क्या तथा कपट से भी वे कार्य नहीं करता, मिल गई पंक्ति है ना। कपट से कार्य करे तो आपको लगे कि फिर तो उनके आश्रम चालू है, लेकिन कपट भी नहीं है उनके, मायाचारी भी नहीं है। क्यों जैसा मायाचारी नहीं, यदि मायाचारी से ये बाहर में व्रतों को पालन करे, मायाचारी से छह काय के जीवों की बाहर में रक्षा करे और अंदर में रक्षा का भाव नहीं होए, तो ऐसे जीव को तो तीर गति में जाए। लेकिन आप तो कह रहे हैं ग्रेवेक उठ जाए, ग्रेवेक समझ गया आप, स्वर्ग में ग्रेवेक तक जाता है, नवे ग्रेवेक तक जाए है, ग्रेवेक उठ जाए ना, उससे ऊपर तो नहीं जाता मिथ्या दृष्टि है ना। तो अब ग्रेवेक तक जाने वाले जीव के कपट नहीं होता क्या जैन साहब? ग्रेवेक तक जाने वाले जीव के कपट नहीं होता, और कपट वाला जीव तो तीन गति में जाएगा। तो द्रविलिंगी मुनिराज के कपट नहीं है, उसके बावजूद भी आश्रम नहीं रुकता, यह है गजब की बात। क्यों नहीं? क्योंकि अंतरंग भावों की जाति नहीं पहचानते, यह है मुद्दा। क्या कितने लोगों को समझ आ रहा, कठिन तो नहीं हो रहा है? अब ये बात सुने पसीना छूट जाए, क्या बात कह रहे हैं टोडर मोदी साहब, अजीत भैया क्या बात कह रहे हैं टोडर मोदी साहब, ये धर्म किसको कहना। देखो क्या कहते हैं, तथा कपट से भी वे कार्य नहीं करता, कपट से करे तो ग्रेवेक पर्यंत कैसे पहुंचे। इसीलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादी रूप रागादि भाव है, वे ही आश्रव है। आश्रव किसको कहना, मिथ्यात्व अविरति कसाय और योग, ये ही आश्रव है। अरंत भगवान होते हैं ना संयोग केवली, तो उनके कषाय तो मिट गई है, लेकिन योग चालू है, तो आश्रव है कि नहीं है, लेकिन बंद नहीं है। आई बात समझ है ना। कल जो मैंने एक बात बताई थी आपको, उसको अच्छे से मैं स्पष्ट कर नहीं पाया या आपने समझा, जो योग है ना, योग ये आत्मभूत शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। उसकी दो अवस्था होती है, एक तो कंपन रूप, सकंप रूप और अकंप रूप है ना। मैंने आपको शायद उदाहरण दिया था, जैसे है ना श्रद्धा गुण है ना, श्रद्धा गुण ठीक है, उसका दो प्रकार का परिणमन होता है, मिथ्यात्व रूप और सम्यक रूप। तो मिथ्यात्व रूप क्या है, आश्रव है, और सम्यक रूप आश्रव नहीं है। आई बात समझने, समझ में आई आपको है ना। तो चारित्रिक गुण के भी क्या होते हैं, दो प्रकार का, एक वैभाविक परिणमन और एक स्वाभाविक परिणमन। तो राग द्वेष रूप परिणमन होना वो क्या है, कसाय आश्रव, और क्षमा माधव आदव रूप परिणमन होना वो आश्रव नहीं है ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार कंप रूप आत्मा की जो अवस्था है ठीक है, वो आश्रव है, और अकंप रूप आश्रव नहीं, निष्कंप विराजे है। लेकिन एक बात बराबर समझना, ये योग शरीर मन वचन काय से नहीं होता, ये आत्मा की शक्ति, ये बराबर आपको पक्के में रखना है। क्या निमित्त है, क्या ऋतु भाभी जी निमित्त है, शरीर है तो आपको कंपन होगा ऐसा नहीं। आई बात सर, हाँ पर उनके तो शरीर है, किनके संयोग केवली है, लेकिन अयोग केवली के शरीर है और कंपन नहीं है। आई बात समझ ठीक। अभी यहां क्या कह रहे हैं टोडर मल्ली साहब, कि अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादी रूप रागादि भाव है, वे ही आश्रव है। आश्रव किनको मानना, ऋषभ जी भाई साहब पहले दो पैराग्राफ पहले कहा बाह्य और अंतरंग, अभी अंतिम पैराग्राफ में टोडर मल्ली साहब ये कह रहे हैं कि असली आश्रव भाव तो अंतरंग है। क्या कह रहे हैं, योग का अभाव नहीं होता, वो तो आत्मभूत गुण है ना, वो तो शक्ति है आत्मा की, मतलब अभाव नहीं होता है। योग कंप रूप और अकंप रूप दशा है उसकी, पर्याय है कंपन रूप और अकंप रूप रहे, ये योग होता जरूर है। आई बात, लेकिन जब कंप रूप होता है तो उसको कहते हैं आश्रव,
है, लेकिन बंद नहीं होता। कब? अरिहंत भगवान के जो सहयोग के लिए उनके आश्रय तो होता है, लेकिन बंद नहीं होता, क्योंकि बंद का कारण कसा है। आई बात समझ में? क्या इरियापद आसन पढ़ते हो ना, सांप्राय और इरियापद, तो आपको समझना पड़ेगा क्या है, ठीक है। और सिद्ध भगवान के अखंड रूप है, तो वहां आश्रय भी नहीं है। अभी देखो, उन्हें नहीं पहचानता, इसीलिए इसके आश्रय तत्व का भी सत्य श्रद्धा नहीं है। किसको? जैन मिथ्या दृष्टि असली आश्रय को नहीं पहचानता, इसीलिए उसको आश्रय तत्व का सच्चा श्रद्धा नहीं है। गजब की बात है, हैं? ऋतु भाई जी, बाहर के सब कारणों को मानता है और अंतरंग परिणामों की जाति नहीं पहचानता, इसीलिए उसको आश्रय तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान भी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। गजब की बात है। भले वो बाहर से दृढ़ता पूर्वक उनको रोकने का बाहर का उपाय करे, लेकिन उसको आश्रय तत्व संबंधी भूल है। ये है बात पकड़ में आ गई? अभी कितनी भूल हो गई अपनी? तीन भूल हो गई, जीव, अजीव और आश्रय। अब अपने को बंद तत्व संबंधी भूल, ठीक है, चौथे अधिकार के आधार से पढ़ना है और सातवें अधिकार के आधार से पढ़ना है। आप निकालिए चौथा अधिकार, बंद किसको कहना है? उस ग्रंथ में 83 है और यहां 89 है ना, सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ में। बहुत सरल है ये बात, आपके बिल्कुल समझी हुई भी है, पढ़ी भी हुई है, आपने उस विचार भी किया है, लेकिन जो एंगल है वो टोटल मिले साहब का अपन अभी देखो दृष्टिकोण ढूंढते हैं। तथा इन आश्रय भावों से, किन आश्रय भावों से, किन आश्रय भावों से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, और उसमें भी क्या अंतरंग है ना, बहिरंग अंतरंग का विभाजन किया, तो जो अंतरंग है, इन आश्रय भावों से क्या होता है जैन साहब? ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंद होता है। मिल गई पंक्ति? अरे भाई ग्रंथ में मिली, एक पेज पीछे भी रखो एक आगे भी रखवा, मिल गई ना? हाँ, किसका बंद होता है अजित भैया? ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंद, मतलब ये आश्रय भाव निमित्त है और उधर कर्मों का बंद और आश्रय होना वो कर्मों का काम है। जैसा काम किसका है? वो कर्मों का है ना, कारमान वर्गना, कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा के प्रदेश के साथ एक क्षेत्र में आकर ठहर जाना सो बंद है, लेकिन वो ठहरती कब है? जब ये निमित्त पड़ता है। किनका निमित्त पड़ता है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इनके निमित्त से 8 प्रकार के कर्मों का बंद होता है। ये तो बात सरल है सबको। अब टोटल मजी साहब कह रहे, देखना अपन एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि 8 कर्म के उदय में क्या होता है वो यहां भी स्पष्ट करेंगे। उनका उदय होने पर, किनका उदय होने पर, किनका उदय होने पर अजित भैया? 8 कर्म का, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का उदय होने पर या क्षयोपशम होने पर, ज्ञान दर्शन की हीनता होना, क्या होती है ना? ज्ञान और दर्शन की प्रकट पर्याय में हीनता होती है। मोहनी के कारण क्या होता है? मिथ्यात्व और कसाय रूप परिणमित होना। वीर्यांतराय के कारण क्या होता है? चाहा हुआ न होना, आप जो चाहो वो काम नहीं होता है अंतराय कर्म के उदय में। और वेदनी के कारण क्या होता है? सुख और दुख का कारण मिलना, संयोग मिलना, सुख और दुख के संयोग को मिलना, वो वेदनी के कारण होता है। और आयु कर्म के कारण क्या होता है? विविक्षित शरीर का संयोग रहना, शरीर संयोग रहना, ये शरीर कितने समय तक रहेगा? आयु कर्म के आधार से जितने समय तक आयु है तब तक रहेगा,
और गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना ये क्या है, नाम कर्म के उदय से जो होता है, क्या होता है, गति शरीर और जाति उत्पन्न होना, और गोत्र से नीच और उच्च कुल का पाना होता है। ठीक है, रिसर्वेशन कितनी सरल बात है, आठ कर्म और उनके उदय में क्या अवस्था होती है ये बता दी। ठीक है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से कथन है, इतना तो आपको बराबर ध्यान में रखना है। अब आगे की बात जो महत्वपूर्ण है, इनके होने में, किनके होने में, देन साहब किनके होने में, ये जो आठ प्रकार की अवस्था है ना, कि ज्ञान का क्षयोपशम हीन होना, ठीक है, शरीर का रूप रंग ऐसा होना, अनुकूल और प्रतिकूल संयोग जो भी मिल रहे हैं, ये सब बाहर में किससे होते हैं, कर्म के उदय से होते हैं। और ये जीव क्या मानता है, ये जीव उनको कर्म का उदय के कारण नहीं मानता, और ये निरंतर के इसके करने से हो गए, दूसरों के करने से हो गए, और मैं करूंगा तो इसको सही कर दूंगा। देखो, बुद्धि बढ़ाने के लिए क्या खाते हो आप, अखरोट खाते हो कि मामड़ा खाते हो, बोलो, या याददाश्त बढ़ाने के लिए क्या करते हो, क्षयोपशम बढ़ाने के लिए क्या करते हो आप, अरे बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो, हाँ क्या करते हो, नहीं मामड़े से नहीं होता क्षयोपशम, नहीं बढ़ता है, तो मानते क्या हो, है मानते क्या हो, कि उसको जो क्षयोपशम है ये ज्ञानावर्ती कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से हुआ है। ठीक है, उधर अगर मान लो क्षयोपशम उगाड़ ज्यादा होगा तो इधर उगाड़ ज्यादा होगा, ऐसा न मानकर क्या मानता है, कि मैं इसको ऐसा करूंगा तो बढ़ जाए। शरीर को सुंदर बनाते हुए नहीं आप है, आजकल तो बहुत ऑपरेशन कराने लग गए, प्लास्टिक सर्जरी करने लग गए, ये किसकी एक्टिविटी है, शरीर की ताकत क्या रहना, हड्डी की मजबूती कैसा रहना, रूप कैसा रहना, ये कौन तय करेगा, नाम कर्म का, अब ये नहीं जानते। अभी क्या जनता अपना चाहा हुआ नहीं होता तो ये अन्य लोगों को कारण में मानता या कहेगा कि तुमने अच्छे तरीके से नहीं किया है। अपन चाह रहे थे कि बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, आपने अच्छे इंस्टीट्यूट में डाला, ठीक है, वो पढ़ने भेजा, सब कुछ करा, उसका नहीं हुआ तो क्या मानते हो आप, नालायक इसके कारण नहीं हुआ है, ये ऐसा हो गया, या परीक्षा के समय वो बीमार हो गया, व्हाटएवर में भी, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि क्या है, कि वीर्यांतराय कर्म का जो उदय है वो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होने देगा। क्या बात पकड़ में आई आपको, क्या आपकी चाह हुआ काम नहीं होगा तो इसमें किसका रोल है, किसका रोल है, कर्म के उदय का रोल है। ठीक है, अंतराय कर्म के उदय का रोल है, मानता क्या है, हमारी जो बच्चे की मां हो रही थी उन्होंने अड़चन लगा दी और हमारा काम रुकवा दिया, ये ऑर्डर तो मेरे को मिल ही रहा था, ये एंड टाइम पे आ गया, इसने 25-50 हजार कम करके ऑर्डर ले लिया, अरे भाई कौन कर रहा है काम, काम कौन कर रहा है, हैं? तो ये क्या है, अंतराय कर्म को तो नहीं स्वीकारता, ज्ञानावरण कर्म दर्शनावरण कर्म को नहीं स्वीकारता, वेदनी में साता और असाता को नहीं स्वीकारता, और क्या करता है, क्या कहता है, अपनी मर्जी से। अभी देखना, टोडरमजी साहब ने जो तीन सुंदर बातें कही है वो बहुत जबरदस्त है, मैं अभी पढ़ लेता हूं क्योंकि अभी समय हो गया, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। कभी तो जैन साहब दूसरों की गलती निकालता है, ठीक है, कभी किसी तीसरे के माथे पड़ता है, और कभी ऐसा भी होता है कि मान लो न तो दूसरे की गलती दिखे और न ही कोई तीसरे की गलती दिखे तो ये सोचता है ऐसा ही होना। क्या अभी देखना, पहले आपने कोशिश करके बच्चे को अच्छे इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया, ठीक है, अब जो बच्चा नहीं पढ़ता था तो नालायक पढ़ता ही नहीं है, लेकिन बच्चा पढ़ भी रहा है, टाइम से कोचिंग भी जा रहा है, और उसने पूरी मेहनत भी की है, आप जैसा चाह रहे हैं, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्या कहते हो, कि इसकी तो होना ही ऐसे, ठीक है। तो टोटल मुझे साहब कहते हैं, पहले तो ये मानता है कि मैं कर रहा हूं, ये वो कर देगा, जब उन दोनों जगह तीनों जगह इसकी गलती नहीं दिखती तो ये मूड होकर क्या मानता है, भवितव्य को स्वीकारता है। ये एंगल मैं आपको कल समझाऊंगा, बहुत सुंदर बात है, और ये हमारे जीवन में है। पहले तो अपन दूसरे की गलती निकालेंगे, अपनी गलती तो देखेंगे नहीं, ठीक है, कौन सी
अज्ञानता उसको तो देखेंगे नहीं और दूसरे की गलती भी नहीं दिखेगी और काम मान लो बिगड़ गया आपका चाहा हुआ नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, अरे होना ही ऐसा था। मूड होकर भवितव्यता को स्वीकारता है। ऐसा टोडर मिल साहब ने बहुत सुंदर बात लिखी है तीन पंक्ति में, अपन कल इसका उदाहरण और एंगल से विचार करेंगे। मैं पढ़ता हूं, देखो, इनके होने में मूल कारण कर्म है, एक एक पंक्ति पे अपन कल विचार करेंगे, ठीक है। उसे यह पहचानता नहीं क्योंकि वह सूक्ष्म है, अभी कर्म के उदय दिखते नहीं है इसको, इसे दिखाई नहीं देता, तथा वह इनको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता, इसीलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है, तथा अपना या अन्य का कर्तापना भासित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। इस प्रकार बंद तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। बात पकड़ में आ गई क्या जैसा है? या तो गिलास का किसने फोड़ा, अच्छा काम कर दिया मैंने, नहीं किसने बिगाड़ दिया उसने। अब मान लो बिगड़ गया और कोई सामने है भी नहीं, वो भी नहीं है और आप भी नहीं हो, तो फिर क्या बोलोगे, इसकी तो होनहारी ऐसी थी, लेकिन उसको पूरा पहले दिन से यथार्थ विचार नहीं। क्या होता जगत है ना, आप तो सीख के आए ना जैसा पंच कल्याणक में, मेरी सिस्टर बोल रही मैंने कुछ सीखा ना सीखा, इतनी बात तो सीख ली। क्या सीख ली? कि सब काम अपने आप व्यवस्थित होते हैं, बस इतना ही तो सीखना था, सीखना इतना ही था है? उसी के लिए तो वो पंच कल्याणक था, इतना सीख लिया तो काम हो गया है, बहुत है। मिथ्या तम नास वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु, आपा पर भाषा वेकु भानु सिब खानी है, छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु, स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है, अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु, काहू न सताय वेकु भव्य उर आनी है, जहां तहां तार वेकु पार के उतार वेकु, सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक,